आपकी बेटी की शादी है ना, अब दूल्हे की माँ है तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? मुझे एक बात बताइए, फरवा की तबीयत क्या खराब हुई है? सारा को तो मौका मिल गया सब कुछ संभालने का, आपको वहाँ होना चाहिए स्टेज पे। चलिए प्लीज। खूबसूरत लग रही हो, नजर हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। परफ्यूम्स। जानती हो परफ्यूम्स मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। थैंक यू। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में हसीन खुशबू की तरह आओ। तुम्हारा वेलकम भी मैं परफ्यूम्स के साथ करूँ। रोमांटिक के साथ साथ काफी चीज़ी बातें भी कर लेते हैं। हाँ भाई, सारी बातें। तुम्हारी शादी बड़ी यूनिक आदमी से हुई है। वो मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है पाँव का? बस ठीक ही है, दर्द काफी है अभी भी। सच मानो तो मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हारे पाँव पे चोट आई है। अरे नहीं, क्या हो गया है? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? जो तकलीफ नसीब में होती है उसे भला कौन टाल सकता है। वैसे पूरी शादी में तुम्हारी कमी महसूस होती रही। किया भी क्या जा सकता है खाला, आपको पता है ना मैंने शादी की कितनी तैयारियां की थी, कोई कसर ना रह जाए तैयारी में। और अफसोस के मैं ही शादी अटेंड नहीं कर सकी। अच्छा, तुम्हारी वो बात मेरे जहन को उलझन में डाल रही है। कौन सी बात? वैसे तुमने कहा था कि हुस्ना और सऊद का रिश्ता ना होने की वजह बताओगी। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। आपकी पसंद है? नहीं, ये मेरा सारा भाभी की पसंद था। अच्छा है ना? हाँ, आपने पसंद नहीं किया? नहीं, मैंने भी पसंद किए, मैंने दूसरे पसंद किए। उस दिन सारा भाभी साथ थी ना मॉल में जब हम मिले थे, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए परफ्यूम्स यूज किए थे। अच्छा, कहा तो मैंने भी था उस दिन आपके साथ जाने का, मुझे ले जाते। बाबा, तो फिर सरप्राइज थोड़ी रहना था। अब देखो तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है। तो बाकी के गिफ्ट्स भी खोलो। नहीं ठीक है, बाद में लिख लूंगी। अच्छा चलो, एक और छोटा सा गिफ्ट है, मैं वो लेकर आता हूँ। ठीक है। अम्मा जान तो हुस्ना के रिश्ते के लिए राजी थी, लेकिन सारा ने ही मना कर दिया था रिश्ते से। सारा ने? क्यों, उसे क्या मसला था? वो सऊद हर वक्त सारा के फेवर में ही बात करता है, दोनों की काफी बनती है, और यही वजह है कि सऊद को हिना से शादी के लिए भी उसी ने एग्री किया है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये खाला जान कि सारा और हिना काफ़ी अच्छी दोस्तें हैं आपस में,
और सऊद सारी बातें मानता है सारा की, तो बस उसी ने एग्री किया था कि वो हिना से शादी कर लें। वरना बेचारी अम्मा जान तो कब से बोलती रही कि हुस्ना का हाथ मांग लो, सारा ही नहीं मानी। देखो मैं सारा को कितना अच्छा समझती थी, अपनी बेटियों से भी बढ़कर चाहा है, वो ऐसा करेगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ अब देखिए ना क्या करे इंसान, वो जैसी नजर आती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। वाकई बहुत मुनाफिक है, अब तक यकीन नहीं हो रहा मुझे। मुझे भी। आपको याद था? Happy birthday to you, of course. Happy birthday, dear Hina. Happy birthday to you. May you have many more. बेटा थैंक यू सो मच, बेटा थैंक यू। मारिया बेटा तुमने बहुत हेल्प की, बहुत कोऑपरेट किया, मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूं। आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं हैरान हूं, मारिया ने हर चीज में बढ़ चढ़कर कोऑपरेट किया और आपने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया। अब अप्रिशिएट भी तो कर रहा हूं। थैंक यू बेटा, अब तुम ना इस घर की बहू भी हो और बेटी भी, हिना तो चली गई, अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। आंटी इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं पहले खूबी से निभाती हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन अब बहू और बेटी दोनों का रोल तुमने ही निभाना है। जी मैं भी यही चाहता था वैसे सारी जिंदगी कि आप दोनों माँ बेटी बन कर रहे हैं इस घर में, ना कि सास बहू। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा वकार याद रखिएगा, हमें सुबह जरा जल्दी जाना है नाश्ता लेके। ठीक है, जो हुकुम जनाब। हाँ भाई बहुत पुरतकल्लुफ और अच्छा सा नाश्ता लेकर जाना। जी वकार चाय पिए ना। तुम बहुत अच्छी लग रही थी। आज का मतलब हमेशा नहीं लगती? नहीं आज कुछ खास था, तुम्हें देख के अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। इनफैक्ट हर तरफ तुम दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत पुरसकून माहौल में मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। सब ने भी सबको काफी एंजॉय करवाया अपनी बातों से, अपने मजाक से। आई रियली एंजॉयड इट। अल्लाह करे वो यूं ही हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। आमीन।
तरह क्यों दिल करे कि तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठा रहूं और हम ऐसे ही बैठ के देर तक बातें करते रहे। मुझे याद है मुझे अम्मी को दवाई देनी है। फरवा जाके उसका भी पूछ लो, मिस करी होगी तुम्हें। क्यों आप नहीं पूछेंगे? मैंने पूछा था, अगर उसका मूड कुछ ठीक नहीं था तो ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। मैं आती हूँ दवाई देके। शायद आज हम इसलिए खुश थे कि आज वो हम नहीं थे। अम्मी जान की दूध और मेडिसिन। क्या हुआ खाला जान, आप ठीक हैं? नाराज लग रही हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपकी दवाई ले आई थी मैं। ठीक तुम जाओ। ओके पापा, जो कुछ मैंने सारा के बारे में सुना वो सही है? यानी कि झूठी और मुनाफिक? हाँ से देखा कि इंसान की मुनाफिकत कितनी देर छुपी रह सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती हूँ। हम सादा दिल के लोग हैं, लोगों की चलाकियों कारियों को कहाँ देख सकते हैं। और जिस बात में मुझे हैरानगी होती है कि सारा ऐसे ऐसे रंग दिखा रही है और वो दिखाई जा रही है और हम देख रहे हैं। यकीन माने मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे भी। यार सलमान, वैसे तुम इतने बड़े अफसर बन गए, पत्ते बगैर पैसों खेलने मजा नहीं आता। क्या हो गया, हमेशा तो बगैर पैसों भी खेलते, अब क्या तकलीफ है? तो यार जुल्फी का मतलब है कि मतलब तू बड़ा अफसर बन गया ना, मतलब पैंट शर्ट पहन के तू ऑफिस जाता है। अच्छा सुन, गाड़ी कब ले रहे? बस ये समझो कि तुम्हारे अफसर दोस्त के पास गाड़ी भी आने वाली। अरे वाह वाह वाह, उससे पहले गाड़ी भी चलाना सीख ले, कहीं मुझे राशिद को गाड़ी ना चलाना पड़े और तुझे पीछे बैठना पड़े। ऐसे ही बैठोगे? मैं गाड़ी तब तक नहीं लूंगा जब तक चलानी नहीं आएगी मुझे। अच्छा वैसे यार तुम इतने बड़े अफसर बन गए, कभी ऑफिस नहीं बुलाया तुमने? सही बात है। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कल आ जाओ ऑफिस, अपनी आंखों से देखना अपने भाई की ठाट बाट। अच्छा एक शर्त पे आएंगे, अगर चाय अच्छी पिलाओगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, चाय के साथ समोसे भी मिलेंगे। क्या बात कर दी यार। एक मिनट। आपकी घड़ी। वाओ लुकिंग प्रिटी। थैंक यू सो मच। जानती हुई ना, मैंने हमेशा ऐसी जिंदगी का तसव्वुर किया, परफेक्ट फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ? हाँ सिर्फ मियां बीवी नहीं,
घर के सारे लोग हंसी खुशी आपस में रहें, कोई जेलसी और ये नफरतें ना हो। यस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी स्वीट भाभी। है ना फैमिली लाइफ को कैसे ट्रैक्टफुली हैंडल करने ये तुम सारा भाभी से सीखो। एक बहुत अच्छी बीवी हैं, उससे भी अच्छी बहू हैं और बहुत बहुत अच्छी इंसान है। सुबह सुबह इतना मक्खन लगाना अच्छी बात नहीं है। इतनी प्यारी सी बीवी को भूखा रखना है क्या? मुझे तो खुद बड़ी भूख लगी है। भाभी आप चले हम आते हैं। आ जाओ। चलो भाई जल्दी कर लो। मैं तो पूरा हाल हो गया। Come on, let's go। हाँ बस मैं एक पेन। सऊदी लो। Thank you। भाभी फवाद भाई कहाँ हैं? उनके बगैर नाश्ता करना तो नहीं चाहिए। सुबह से नजर नहीं आ रहे। रात को देर से सोए थे ना, बस आ रहे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या, आप लोगों ने हमारे बगैर नाश्ता कर लिया? वो मायरा भी कंफर्म नहीं था ना कि आप आएंगी, तो 11 भी बज गए थे तो इसलिए मैंने। क्या मतलब कंफर्म नहीं था? क्या तुम नहीं जानती हो कि लड़की का नाश्ता उसके महके से आता है? चाहे 11 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बज गए हो, आप लोग को इंतजार करना बनता है। क्यों अपनी मनमानी करती रहती हो हर वक्त, मुझे समझ में नहीं आता भाई। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी हमें, और मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। आप बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ बैठो। शाबाश, बहुत खाना है। उफ, इतना सामान ले आए। अल्लाह, इतना सामान। इसीलिए तो मैं कह रही थी। आप तो आए ना, बैठे। कोई बात ही नहीं है, हम ये वाला नाश्ता भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सॉरी लकार भाई, सारा भाभी तुम प्लीज प्लीज। अम्मी सैंडविचेस आपके फेवरेट बना के लाए। सऊद अम्मा जान से भी ज़्यादा सिर्फ सारा की सुनता है, सिर्फ उसी की बात मानता है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो हर वक्त सारा भाभी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो वैसे ही। अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि सारा अच्छी तरह जानती है कि मर्दों को अपनी तरफ कैसे किया जाता है। वैसे भाभी लड़की के मैके वालों की भी कोई इज्जत होती है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मैं फवाद को बुला के लाती हूँ। चलो बेटा कम। अम्मी वैसे कुछ ज्यादा ही मनमानियां नहीं करने लग गई है सारा? नाश्ता कर, नाश्ता।
मीना मीना चाय गरम ले आना। आपकी बहन आ गई है, जाइए नीचे। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम तो बहुत एक्साइटेड नीचे गई थी। नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। बताओ मुझे मूड क्यों ऑफ है? अच्छा ठीक है, मैं खुद जाके पूछ लेता हूँ। नहीं फवाद, आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। चलिए मेरे सारा। अस्सलाम वालेकुम आर्या आपी। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, शादी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि मैं तुम्हारी तबीयत पूछने नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, आप कैसी हैं बताओ? अब तुम्हारा पाँव कैसा है? बेहतर है, अगर अभी ठीक नहीं हुआ। आपसे तो खैर कोई शिकवा ही नहीं है, लेकिन घर में से कोई भी पूछने नहीं आया मुझे। क्या मतलब? हिना सऊद के लिए, उनकी शादी के लिए इतनी भाग दौड़ की, उनका रूम डेकोर किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे आकर पूछा नहीं। तुम्हें एक बात बताऊं, उन्हें उनकी सारा भाभी मिल गई है ना, उसने नहीं आने दिया होगा 100%। लेकिन सारा भी पूछने नहीं आई मुझे तो। फरवा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इस औरत ने हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हें पता है, नाश्ते पे हमारा इंतजार तक नहीं किया। तुम होती ना तो तुम कभी ऐसा नहीं करती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें सारी ऊंच नीच का मालूम है। चले शुक्र है, आपको तो मेरी कदर हुई। मुझे कैसे कदर नहीं होगी, और मैं तो ये सोचती हूँ पता नहीं क्यों एहन मौके पे तुम्हें ये चोट लग गई। शादी में तुम्हें इतना मिस किया कि तुम सोच नहीं सकती। सारा को तो मौका मिल गया तुम्हारी जगह लेने का, उसे देख देख के मेरा खून खौल रहा था। ठीक कह रही हैं, वो मौका ढूंढ रही थी, हर मौका उसे मिल गया। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी एक अपनी जगह है, वो जगह कोई नहीं ले सकता। एनीवे मैं इधर ही हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ओके थैंक यू। वेलकम, अपना ख्याल रखो बहुत सारा, जल्दी से ठीक हो जाओ। सलमान साहब, मैं ये कैश बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ, मुझे एक दो घंटे लग जाएंगे। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं हूँ ऑफिस में, जरा ख्याल रखें। वाह वाह सलमान साहब। अरे यार सलमान, राशिद देख रहा है, सलमान तो वाकई अफसर बन गया यार। तो तुम लोगों को क्या लगा था मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं यार ऐसी बात नहीं, लेकिन नहीं नहीं, तुम्हारी ऐश ठाट बाट देखकर ना कसम से दिल खुश हो गया। चलो इससे खुशी मच जाए। हाँ यार। हेलो, हाँ तीन चाय और केक और बिस्किट दो। चाय बिस्किट केक समोसे भी बोलता ना। चलो तो जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा चलिए, तो बड़ी ऐश वाली जिंदगी हो गई। वैसे सलमान ये नोटों के बंडल्स देख के तुझे कुछ होता नहीं अंदर से? मतलब होता तो है, लेकिन ये जो करीम साहब है ना, बहुत ही खड़ूस और बहुत ही ईमानदार है, इनकी वजह से खामोश रहता हूँ। सही सही सही। वैसे यार ऐसे तो है बहुत यहाँ पर। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। सऊद फोन छोड़े देखे ना, ये अच्छा लग रहा है। ये कैसा ठंडा रिएक्शन है। जी आ जाए।
मारिया भाभी आप नहीं, आई मीन बैठे बैठे नहीं आई हूँ, तुम दोनों से एक सवाल करने आई हो। मुझे ये बताओ, फरवा की तबीयत ठीक नहीं है हाँ? उसके कमरे में कोई भी उसे गया पूछने तुम दोनों में से? नहीं वो पता नहीं मारिया भाभी, मुझे उनसे अजीब सी हेजिटेशन सी फील होती है। अच्छा, सारा से तुम्हें अजीब सी हेजिटेशन नहीं होती? सारा भाभी को आए हुए काफी अरसा हो गया इस घर में मेरा ख्याल है, वैसे भी फरवा भाभी के साथ मेरी भी इतनी फ्रैंकनेस नहीं है। हाँ, सारी फ्रैंकनेस जो है ना तुम्हारी सारा सही है, और तुम दोनों भूल गए हो कि फरवा ने कितनी हेल्प की है तुम्हारी शादी में। हाँ चलो, इतनी भी बुरी बात नहीं जितना फील करवा रही है। लगता है सारा भाभी कुछ ज्यादा ही फेवरेट है इनकी, कोई और तो पसंद ही नहीं है। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर इस घर में तुम्हें कभी कोई मसला हुआ, सारा तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी। अगर तुम्हारी कोई वेल विशर है ना, तो वो सिर्फ फरवा है, सारा नहीं। सलमान के तो खूब मजे हैं, काश हमें भी कोई ऐसा अमीर बहनोई मिल जाए ना, तो हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं सॉरी मैं उठ नहीं पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, रियली सॉरी, मैं आपकी खैरियत मालूम नहीं करने आ सकी। बैठो ना। मुझे पता है तुम भी बहुत बिजी होगी, कोई बात नहीं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, सऊद के साथ खुश हो ना? बहुत ज्यादा, बहुत खुश हूँ मैं। सऊद बहुत अच्छे इंसान है। रूम कैसा लगा? मेरा रूम तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत मोहब्बत के साथ उसका इंटीरियर करवाया। वाकई में? मेरा रूम आपने डेकोरेट किया है? मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी, बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। बस मैं तो तुम्हारे बहुत चाव उतारना चाहती थी, बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन ये चोट नहीं लगती ना अगर? अरे कोई बात नहीं भाभी, आपकी इतनी सारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। पता है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप मेरी शादी में शरीक नहीं हो सके। हाँ, बहुत इंजॉय करना चाहती थी, लेकिन बस किस्मत की बात होती है ना, ना अपनी शादी इंजॉय कर पाई और ना तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब कि शादी के वो लम्हात दोबारा वापस तो नहीं आते ना। मैं तो अपने भी सारे अरमान तुम्हारी ही शादी में पूरा करना चाहती थी, मेरे तो किसी ने चाव नहीं उतारे। अरे भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रही हैं। जब ससुराल वाले अरमान पूरे करते हैं तो वो लम्हात जिंदगी भर याद रहते हैं, और जिसको कुछ भी नहीं मिलता उसके लिए वो सारी बातें कसक बनकर उसके दिल में ठहर जाती हैं। आ गए तुम लोग, मैं तो कब से तुम लोग का इंतजार कर रही थी। वो हिना का क्या हाल है? तुम लोग को देखकर तो बहुत खुश हुई होगी, इंतजार कर रही होगी ना? हाँ भाई, लड़कियों को तो बहुत इंतजार होता है मेकअप वालों का। हमसे पहले नाश्ता करवा चुकी थी सारा भाभी। क्या? मगर क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें लेट डाउन करने की कोशिश कर रही थी। मैं तो पहले ही कहती थी कि उसके इतने कसीदे ना पढ़ा करे, हकीकत जानती हूँ मैं इसकी। फजूल में हमने तकलीफ किए जाने की, मैं उन्हें अच्छी भरी सेंसिबल औरत समझता था, मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने ये हरकत की क्यों। तौबा,
अरे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे नकाब चढ़ा रखे होते हैं इन लोगों ने अपने चेहरों पर। रहने दे, हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया उस औरत ने। वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, नफीसा बेगम तो बहुत तारीफें करती थी उसकी। हर चमकती भी चीज सोना तो नहीं होती है ना, अब हकीकत खुल के आ रही है ना लोगों के सामने, अब पछताने से क्या फायदा होगा बताएं मुझे। मारिया तुमने हिना को समझाना था, उसकी बातों में ना आए। मैं जितना समझा सकती थी ना आपकी बेटी को मैंने समझा दिया, अब आगे उसकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ हो गया आपके साथ, मुझे मालूम ही नहीं था। हबीब आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अपने सारे दुख, मुझे बता सकती हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सारा ने दोस्त बन के मुझे डसा है, मेरी खुशियों की कातिल है वो। पहले जबरदस्ती अपने शौहर के साथ मेरी शादी करवाती और फिर अब मेरे हकूक भी पूरे नहीं होने देती। क्या वाकई में? क्या बताऊं तुम्हें है ना, शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती रहती हूँ मैं। मैंने भी यही नोट किया है कि फवाद भाई सारा भाभी के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। सिर्फ फवाद ही नहीं, सऊद भी सबसे ज्यादा सारा की मानता है। क्या सऊद भी? हाँ, सऊद अम्मा जान से भी ज्यादा सिर्फ सारा की सुनता है, सिर्फ उसी की बात मानता है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो हर वक्त सारा भाभी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो वैसे ही। अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि सारा अच्छी तरह जानती है कि मर्दों को अपनी तरफ कैसे किया जाता है, कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं फवाद से, कितना प्यार दिया हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें अपना नहीं बना सकी। औलाद की खुशी दे रही हूं उन्हें, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है उसकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा आपके साथ इतना कुछ हो रहा है। क्या आप सच कह रही हैं? बहुत जल्द तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि सऊद सिर्फ सारा की मानता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, पहुंच गई? हाँ पहुंच गई, और आते ही वकार ने मेरी बेइज्जती भी करना शुरू कर दी। खैरियत तो है ना? हद होती है ना अम्मी, आप देखिए ना सारा ने जो बिहेवियर किया है, आपको पता है वकार को उसमें अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई है। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि सारा ऐसा करेगी, उसे तुम लोगों का इंतजार करना चाहिए था।
यही तो मैं कह रही हूँ अम्मी, आपको पता है आंटी और वकार इसी बात पे नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हिना लावारिस नहीं है जो सारा ने उसके साथ इस तरह की हरकत की है। खैर, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने इसीलिए कॉल की आपको कि अब आप अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि अब आपकी तीन तीन बहुएं हैं। नजर रखें, देखें आपके घर को कौन नुकसान पहुंचा रही है। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या आज तुम्हारे दोस्त हैं तुमसे मिलने आए थे? जी हाँ। वो ये तुम्हारा मोहल्ला या सड़क नहीं जहाँ पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करो। I'm sorry सर, वो मैंने उनके पास से गुजरते हुए उनकी घटिया गुफ्तगु सुनी है। आइंदा उनमें से कोई भी यहाँ कभी नजर ना आए, समझे तुम? जी सर। अब जाओ और जाके काम पे तवज्जो दो। अरे हिना कैसी हो? मैं तुमसे मिलने आ रही थी। आओ बैठे। प्यारी लग रही हो। थैंक्स। और नाश्ता वगैरह किया? वैसे ही मैंने कहा हमारी बात ही नहीं हुई, इस तरह बैठ ही नहीं पाए। बिजी थी तुम भी, और जाहिर सी बात है शादी। बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छा घर है, अम्मा जान बहुत अच्छी हैं, साउथ का तो तुम्हें पता ही है, तो बहुत अच्छी सी फैमिली है। बस ये कि थोड़े से तौर तरीके हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ और तुम्हें भी करने होंगे। जैसे उठो सो के तो अम्मा जान को सलाम कर लेना पहले, वो बहुत खुश होती हैं इस चीज़ से, बहुत प्यार करती हैं। और अगर कहीं जाना हो, वैसे जाने आने से मना नहीं करती, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन अगर तुम इजाज़त ले लोगी जाने से पहले या कोई भी ऐसा काम करने से पहले, तो वो खुश होती हैं। और इस तरह उनकी इजाज़त या आपकी इजाज़त?